अरे बाबा, मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, हम तीनों ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है कांटो रीजन के, क्योंकि हमारे पास मेगा इवोल्यूशन है। ए चुप रहो, हम लेजेंडरी बर्ड्स हैं, हम सबसे ताकतवर है। ए चुप करो, मैं म्यूटू हूँ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन कांटो रीजन का। अरे, हमें तो फेंक दिया। देखा, मैं हूँ सबसे ताकतवर पोकेमोन कैंटोरिजन का। तो दोस्तों, पोकेडेक्स हिंदी में तुम सभी लोगों का स्वागत है फिर से यार एक और एक नई कमाल की और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के वीडियो में लेके आया यार, आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोकेमोन का है, तो थोड़ा हटके लिया है। और आज का टॉपिक है टॉप 6 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ऑफ जनरेशन 1। यार जनरेशन 1 जो तुम लोग को पता ही होगा यार, कांटो रीजन जनरेशन 1 बोलते हैं कांटो को। तो कांटो के सबसे 6 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को निकालने वाले आज हम इस लिस्ट में। तो तुम लोग को पता ही होगा 151 पोकेमोन होते हैं कांटो रीजन में। हाँ गाइस, 151 टोटल पोकेमोन है, मतलब 151 स्पीसीज है पोकेमोन के कांटो रीजन में। उनमें से मैंने एक पोकेमोन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है वीडियो में, क्योंकि भाई ये लोग वो है बट उसे एपिसोड्स में, एनिमे के एपिसोड्स में ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, वो है म्यू। दोस्तों उसको कुछ ही एपिसोड और बाकी के बाद में दूसरे रीजन्स के इसमें दिखाया गया है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके, तो कैंटो में नहीं दिखाया गया है इसलिए उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तो यार चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यार नंबर 6 पे कौन सा पोकेमोन है। नंबर 6 पे जो पोकेमोन अपनी जगह बनाता है यार, वो एक वाटर और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, वो है क्या बोलते हैं इसको यार, गैराडोस। दोस्तों गैराडोस मैजिकार्प का इवोल्यूशन पोकेमोन है। दोस्तों ये जब मैजिकार्प 20 लेवल की हो जाती है तब वो गैराडोस में बनती है। अगर पोकेमोन को के हिसाब से जाए तो मैजिकार्प को अगर 400 कैंडीज जमा किया तो जाके गैराडोस में विकसित होता है। दोस्तों गैराडोस एक दिखता तो है ड्रैगन जैसा, बट वो ड्रैगन टाइप पोकेमोन नहीं है यार। तो और गैराडोस के बाद बहुत ही अलग अलग ड्रैगन टाइप मूव्स है, बल्कि उसके पास एक मेगा इवोल्यूशन भी है। और दोस्तों ये पोकेमोन इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि भाई ये छोटी सी पिद्दी सी मछली में से इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बन जाता है यार। पता है यार मैजिकार्प को सिर्फ एक ही अटैक आता है जो है स्प्लैश। दोस्तों स्प्लैश अटैक से कौन जीत पाएगा यार, एक पोकेमोन टूर्नामेंट या फिर मैच बोल लो, बट अगर वो स्प्लैश वाली मैजिक आप इवॉल्व हो जाती है गैराडोस में तो वो ड्रैगन रेंज जैसे कमाल कमाल अटैक इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो इसलिए गैराडोस हमारी लिस्ट में नंबर 6 की पोजीशन पे है। दोस्तों चलिए देखते हैं अभी नंबर 5 पे कौन सा पोकेमोन है। नंबर 5 के पोकेमोन है वो साइकिक टाइप अलकाज़ाम। दोस्तों अलकाज़ाम इसलिए है इस लिस्ट में, और अलकाज़ाम को सबसे पहले शो किया था, मतलब अलकाज़ाम को नहीं किया था, मतलब कडाब्रा को शो किया था सबरीना के पास। दोस्तों उसका कडाब्रा इतना स्ट्रांग था यार, सोचो यार इसको ये जब अलकाज़ाम बन जाएगा तो यार कितना स्ट्रांग हो जाता। दोस्तों अलकाज़ाम को इवॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है, अगर एनिमे के हिसाब से देखे, अगर गेम प्ले के हिसाब से देखेंगे तो अलकाज़ाम को इवॉल्व करने के लिए उसे ट्रेड करना पड़ता है। और अगर पोकेमोन गो के हिसाब से देखे तो अलकाज़ाम को 100 कैंडीज देने के बाद वो सॉरी कडाब्रा को 100 कैंडी देने के बाद वो जाके अलकाज़ाम में विकसित होता है। दोस्तों अलकाज़ाम बहुत ही ताकतवर ये साइकिक पोकेमोन है, वो अपने चम्मचों को मोड़ के सामने वाले की पावर डिक्रीज कर सकता है, इसलिए तो हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे है। दोस्तों चले गौर करते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे एक नहीं बल्कि 3-3 पोकेमोन है, तो तुम लोग सोच ही गए वो कौन होंगे, वो है शाइजार्ड विनोसॉर और ब्लास्टोइस, यानी ऐसा भी कहूँ मेगा चाइजार्ड मेगा विनोसॉर और मेगा ब्लास्टोइस। दोस्तों ये तीनों इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि ये कैंटो के स्टार्टर पोकेमोन है, और दोस्तों इनके पास मेगा इवोल्यूशन भी है। इन ब्लास्टोइस और विनोसॉर के पास तो एक ही मेगा इवोल्यूशन है, बट चाइजार्ड के पास तो दो दो मेगा इवोल्यूशन है, जो है मेगोल्यूशन एक्स और मेगोल्यूशन वाई। दोस्तों इन लोग के बारे में तो ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत दोस्तों तुम लोग को सबको ये पोकेमोन तो पसंद ही है यार, ये तो सब स्टार्टर पोकेमोन है, और चारिज़ार्ड को तो तुम अच्छे से जानते हो, वो तो सबसे ताकतवर पोकेमोन है, बट भूलना मत विनोसॉर और ब्लास्टोइस भी कम नहीं है। दोस्तों तो इन तीनों पोकेमोन की इस लिस्ट में होने की वजह है कि ये पहले तो ये स्टार्टर पोकेमोन है कैंटो रीजन के, मतलब कोई भी ट्रेनर इसे कोई भी ट्रेनर अगर शुरू करना चाहता है तो इन तीनों पोकेमोन के साथ शुरू कर सकता है। दोस्तों इसीलिए ये तीनों हमारे लिस्ट में
नंबर सेकंड पोजीशन, फोर्थ की पोजीशन आते हैं। दोस्तों नंबर थ्री पे आते हैं और नंबर थ्री पे जो पोकेमोन है वो एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है और वो है ड्रैगनाइट। दोस्तों ड्रैगनाइट नंबर थ्री पे इसलिए क्योंकि वो एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है, यानी एक लेजेंडरी जैसे पोकेमोन है जिसकी बेस स्टैट 600 होते हैं। दोस्तों अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं वो वीडियो दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। दोस्तों ड्रैगनाइट एक बहुत ही बढ़िया पोकेमोन है और इवोल्व होता है ड्रैटिनी से फिर ड्रैगनेयर और ड्रैगनेयर से ड्रैगनाइट। दोस्तों ड्रैगनाइट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था लेंस के पास। दोस्तों लेंस का ड्रैगनाइट बहुत ही ताकतवर है, तुम लोग को पता ही होगा कि लेंस कौन है। लेंस है ड्रैगन मास्टर और इलीट फोर का ड्रैगन ट्रेनर। दोस्तों ये लेंस एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनर, तो ड्रैगनाइट तो बहुत ही बढ़िया पोकेमोन है इसलिए, और वो एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है और वो प्योर ड्रैगन टाइप है, ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप, इसलिए तो हमारे लिस्ट में नंबर थ्री पे है। दोस्तों नंबर टू पे जो पोकेमोन्स आते हैं वो होते हैं लेजेंडरी बर्ड्स, और वो भी तीन पोकेमोन्स, वो पता ही चल गया होगा। ये है आर्टिकिनो, ज़ेब्डोस और मोल्ट्रस। दोस्तों ये तीनों कैंटो रीजन के सबसे पहले लेजेंडरी पोकेमोन्स है, मतलब जब तक हमें म्यू और म्यूटो इंट्रोड्यूस किए गए थे, पर ये तब तक के सबसे पहले लेजेंडरी पोकेमोन्स थे। आर्टिकिनो आइस टाइप लेजेंडरी पोकेमोन, ज़ेब्डोस इलेक्ट्रिक टाइप लेजेंडरी पोकेमोन और मोल्ट्रस फायर टाइप लेजेंडरी पोकेमोन। दोस्तों ये तीनों तब के पोकेमोन थे कैंटो रीजन के, और इन्हें बहुत ही रहस्यमय पोकेमोन ऐसे कहा जाता है हिंदी में, बट ये एक लेजेंडरी पोकेमोन्स है दोस्तों, और ये ढूंढने के लिए बहुत ही हार्ड है, बट ऐश ने सबको ढूंढ लिया है। दोस्तों और इनके बारे में तो बोलना चाहूँगा भी नहीं यार, क्योंकि ये इतने फेमस है तो इसलिए ये लोग नंबर टू पे आते हैं। दोस्तों जो नंबर वन पे पोकेमोन आता है वो उसके बारे में तो तुम लोग सोच ही चुके होंगे, वो भी एक साइकिक टाइप पोकेमोन है और वो है म्यूटू। दोस्तों म्यूटू एक म्यूटू कैंटो रीजन का सबसे ताकतवर पोकेमोन इसलिए है क्योंकि उसको बनाया था टीम रॉकेट ने, यानी उनके साइंटिस्ट ने बनाया था यार, और ये म्यू के डीएनए से बना हुआ पोकेमोन है और ये सबसे स्ट्रांगेस्ट साइकिक टाइप पोकेमोन जैसे माना जाता है कांटो रीजन का। दोस्तों म्यूटू एक बहुत ही स्ट्रांग पोकेमोन है और इसके पास दो ओमेगा इवोल्यूशन है, वो है म्यूटू एक्स और म्यूटू वाई। दोस्तों म्यूटू एक्स में वो फाइटिंग और साइकिक, और म्यूटू वाई वो साइकिक टाइप हो जाता है, तो इसलिए यार म्यूटू हमारे लिस्ट में नंबर वन की पोजीशन पे। तो दोस्तों इसलिए तो म्यूटू हमारे लिस्ट में नंबर वन की पोजीशन होल्ड करता है। तो यार दोस्तों, तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर नए होंगे चैनल पे। तो दोस्तों यार एक बात पता नहीं यार तुम लोगों की, हमारे चैनल पे 4000 सब्सक्राइब जल्दी होने वाले यार, पता नहीं यार एक दो दिन में हो ही जाएंगे, तो तुम लोग का ऐसे ही सपोर्ट मिला कि हम 4000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने वाले यार, तो जल्दी आके सब्सक्राइब करो। और ये जो वीडियो मैंने बनाते हो ना यार, तो कृपा करके यार प्लीज़ अपने पोकेमोन फ्रेंड्स और पोकेमोन बडीज के साथ शेयर करो यार, और आज की वीडियो का लाइक गेम रखते हो थोड़ा बहुत ज़्यादा, लाइक गेम रखते हो यार 100 लाइक्स का लाइक गेम रखते, मुझे पता है यार तुम लोग मुझे बहुत प्यार करते हो यार, मेरे को बहुत सपोर्ट करते हो, तो तुम लोग ये लाइक गेम तो कंप्लीट कर ही दोगे। दोस्तों तो आगे मैं क्या बोलूँ यार, अगर ऐसी अलग अलग थियरी वीडियोज़ चाहिए तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं ऐसी अलग अलग और कमाल की थियरी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब तुम लोग से अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलता हूँ तुम सभी लोगों अगले वीडियो में, बाय बाय।